फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे आप लोग? आज अपन शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का, मतलब कि मॉडर्न फिजिक्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव का, उसको अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि एपीएमटी 2006 का है, कह रहा है कि फोटोशेल। अच्छा, इस क्वेश्चन से करने से पहले एक फोटोशेल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है। फोटोशेल एक ट्यूब होता है, ठीक है, एक ग्लास का एक ट्यूब होता है। इसके अंदर दो मतलब कि इलेक्ट्रोड लगा होता है, मतलब कि कैथोड और एक एनोड। ठीक है, ये कैथोड हो गया और ये एनोड हो गया। ठीक है, और ये जो कैथोड होता है C4 कैथोड, और यहाँ पे ए एनोड दे देते हैं। ये जनरली सीजियम का बना होता है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या करते हैं अपन, लाइट इंसिडेंट कराते हैं। ठीक है, इससे जो है मतलब कि जो एनर्जी का, जैसे HNU एनर्जी है, HNU एनर्जी का, और ये एनर्जी ऐसा होगा जो कि इस कैथोड का जो मतलब कि मटेरियल, मतलब जो भी मटेरियल से बना हुआ ये कैथोड, ठीक है, उसका जो वर्क फंक्शन है उससे अधिक होना चाहिए इसका ये एनर्जी HNU। तब जाके क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से एनोड की तरफ जाता है, और इसका जो टर्मिनल एंड है दोनों इलेक्ट्रोड का, उसको अपन एक बैटरी सोर्स से कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको अपन बैटरी सोर्स से कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ स्विच लगा देते हैं। जब बैटरी सोर्स से कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया और ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैथोड से एनोड की तरफ जाता है तो यहाँ पे एक करंट सब्स्टिट्यूट होता है। ठीक है, यहाँ से करंट बनता है, एक करंट फॉर्म होता है। ठीक है, इसका डायरेक्शन जो होगा, इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव तरफ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर हो रहा है तो यहाँ पे करंट आगे ऊपर की तरफ जाएगा इसे। ठीक है, तो ये हो गया फोटो करंट, इसको IP बोलेंगे, फोटो करंट। ठीक है, ये फोटो करंट हो गया, और ये जो फोटो करंट है ये डिपेंड करेगा कि जो अपन लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करा रहे हैं इसका इंटेंसिटी क्या है। जितना ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट यहाँ पे गिराएंगे, इंटेंसिटी जितना ज़्यादा होता है कि फोटोन उतना ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा फोटोन होगा, एक वन फोटोन जो है एक इलेक्ट्रॉन को रिजेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो होता है तो क्या होगा यहाँ पे, तो इंटेंसिटी जो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो भी रेडिएशन या लाइट जो है आप यहाँ पे इंसिडेंट कराएंगे, इंटेंसिटी ये जो है इसके प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पे इसका ये करंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ की फोटोन जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा इंटेंसिटी उतना ज़्यादा फोटोन, जितना ज़्यादा फोटोन उतना ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, जितना ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ से होगा उतना ज़्यादा करंट होगा यहाँ पे, तो ये करंट के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और ये जो मतलब कि लाइट है इसका जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी से इस पर IP कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ इसका ये जो मेटल है, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस इलेक्ट्रॉन का जो मतलब कि स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसको चेंज कर सकता है, या फिर काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इसको चेंज कर सकता है। कौन? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो है इसको सिर्फ फ्रीक्वेंसी जो है सिर्फ इसको चेंज कर सकता है। फ्रीक्वेंसी से मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज होने से इसका जो मतलब कि फोटो करंट है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोटो करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है गाइस, सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी से फर्क पड़ेगा, फोटो करंट पर सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी से फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ फोटो सेल इम्प्लॉयज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू कन्वर्ट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इनटू द चेंज इन इलेक्ट्रिक वोल्टेज। अब देखो फ्रीक्वेंसी चेंज होने से क्या होता है, यहाँ पे इसका वोल्टेज चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये जो ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो सकता है, बट इसका जो वोल्टेज होगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज चेंज नहीं कर सकते यहाँ पे। अगर चेंज इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन मतलब जो हम लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करा रहे हैं उसका इंटेंसिटी को हम चेंज करते हैं, तो चेंज इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट में चेंज होगा। यहाँ ये सही ऑप्शन है। ठीक है, करा यहाँ पे चेंज इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन इनटू द चेंज इन वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन कैसे चेंज होगा भाई? वर्क फंक्शन तो क्या होता है, किसी पार्टिकल का, किसी मैटर का फिक्स होता है। ठीक है, मतलब कि जो भी मटेरियल यहाँ पे लगाते हैं उसका वर्क फंक्शन क्या होता है, फिक्स होता है। वर्क फंक्शन में कोई चेंज नहीं ला सकते अपन। ठीक है, अब अगर चेंज इन फ्रीक्वेंसी लाइट इनटू चेंज इन द इलेक्ट्रिक करंट, फ्रीक्वेंसी से बताए कोई चेंज नहीं आता, फ्रीक्वेंसी से सिर्फ उसी पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, यहाँ पे इसका करंट पे कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका ऑप्शन जो है सेकेंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट कह रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि व्हेन फोटोन ऑफ द एनर्जी HNU फॉल ऑन द एल्युमिनियम प्लेट। अब देखो एक एल्युमिनियम का प्लेट है, ये मानो को एल्युमिनियम का प्लेट है। ठीक है, इस एल्युमिनियम प्लेट पे, ये एल्युमिनियम का प्लेट है। ठीक है, इसके और इस पे जो है इंसिडेंट कर रहा है लाइट। ठीक है, लाइट इंसिडेंट कर रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन कब इमिट होगा, जब इसका जो ये एनर्जी है, जो एनर्जी यहाँ पे मतलब कि इंसिडेंट कर रहा है, ये जो एनर्जी है HNU, अगर ये इसका जो वर्क फंक्शन है, इससे क्या हो, अधिक हो।
ठीक है, इसके वर्क फंक्शन से देखो एनर्जी दे देंगे तब जाके इमिट होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन से यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका जो वर्क फंक्शन इनोट है और फोटो इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के है, ठीक है, इजेक्टेड, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इज डबल, अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें, यहाँ पे न्यू फ्रीक्वेंसी था अभी, इसको अगर इस फ्रीक्वेंसी को अपन डबल कर दें, ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। अब देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होता है, आइंस्टाइन का जो इक्वेशन होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ठीक है, उसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, वो होता है मतलब कि जो हम एच एन यू एनर्जी यहाँ पे इंसिडेंट करा रहे हैं माइनस इसका वर्क फंक्शन, ठीक है, वर्क फंक्शन में जो भी एनर्जी लगाएगा उसको माइनस कर देते हैं तो वो जो एनर्जी होगा, अगर यहाँ पे हीट लॉस को जीरो मानते हैं, कोई भी अदर लॉसेज को जीरो मानते हैं तो यहाँ पे ये होगा, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे एच एन यू, अब कह रहा है कि इस केस में देखो के है कब, जब एच एन यू एनर्जी है और फाई कितना है ए नॉट, ठीक है। अब दूसरा है के डैश क्या होगा जब न्यू को डबल कर दे, तो यहाँ क्या हो जाएगा टू एच न्यू, हाँ, माइनस ई नॉट, ई नॉट तो वही ई नॉट ही देगा क्योंकि वर्क फंक्शन है ये, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं के डैश इक्वल्स टू क्या होगा, ये इस टू एच न्यू को हम एच न्यू प्लस एच न्यू, ठीक है, माइनस ई नॉट लिख सकते हैं ना, और एच न्यू माइनस ई नॉट को अपन क्या लिख सकते हैं के, ये के, तो यहाँ से के डैश बराबर क्या हो गया, के डैश बराबर जो होगा ये क्या होगा, इसको के लिख सकते हैं के प्लस एच न्यू पहले का, तो के प्लस एच न्यू ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बात का, तो के प्लस एच एन यू, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट मोमेंटम ऑफ अ फोटोन ऑफ एनर्जी वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कोई हम फोटोन दिया हुआ है, ठीक है, फोटोन का एनर्जी दिया हुआ हमें और इसका मोमेंटम पूछ रहा है, हमको पता है कि मोमेंटम क्या होता है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर अपन सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, कि मोमेंटम क्या होता है, पी इक्वल टू क्या होता है एनर्जी अपन सी, ठीक है, ई अपन सी, अच्छा ई कितना दिया हुआ है वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ से पी बराबर क्या होगा वन इंटू टेन टू पावर कितना होगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो सिक्स, ठीक है, सिक्स, अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या अगर हम जूल में कन्वर्ट करते हैं क्या करते हैं 1.6 इंटू टेन टू पावर माइनस 19 कूलम, सॉरी 19 जूल, इतना हो जाएगा जूल में कन्वर्ट करेंगे तो उसको, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अपन में क्या होगा, ठीक है, ये पी यहाँ पे मोमेंटम है, ठीक है, अपन में सी कितना होता है 3 × 10⁻¹⁸, ठीक है। चलो जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये जो सोल्व करते हैं तो ये लगभग आता है 5.3 × 10⁻²⁰, क्योंकि ये 8 ऊपर जाएगा, ठीक है, ये 8 ऊपर जाएगा तो कितना होगा यहाँ पे 9 × 17 = 27, ठीक है, और ये पॉइंट जीरो हटाएंगे नीचे तो ये 28 हो जाएगा, माइनस 28 हो जाएगा, और माइनस 28 में से 6 गया कितना हो जाएगा माइनस 22, और ये 16/3 कितना हो जाएगा 5.33, और ये 5.33 को अपन लगभग 5 मान सकते हैं ना, 5 × 10⁻²⁰, ठीक है, इतना केजी मीटर पर सेकेंड, इतना मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर जाएगा 4 नंबर, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि एक 5 वाट का सोर्स है जो कि मोनोक्रोमेटिक लाइट है एमिट करता है, वो सोर्स मोनोक्रोमेटिक लाइट एमिट करता है इंटेंसिटी 5000 एंगस्ट्रॉम का, ठीक है, जब ये 0.5 मीटर अवे होता है, मतलब कि कोई भी लिबरेटिंग इलेक्ट्रॉन लिबरेटिंग जो मटेरियल है, कोई मेटल है, ठीक है, मेटेलिक सरफेस है, उससे इतना मीटर पे है, ठीक है, वो सोर्स, तब जाके इतना एंगस्ट्रॉम का मोनोक्रोमेटिक लाइट इमिट करता है, ठीक है। अब कह रहा है कि जब ये सोर्स को हम मूव कर दे 1 मीटर, मतलब कि इसको जो मूव टू द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, देन नंबर ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन लिबरेटेड, ठीक है, तब जो फोटो इलेक्ट्रॉन लिबरेट होगा वो क्या होगा, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन लिबरेटेड, ये जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन लिबरेटेड होता है एन, ये जो एन होता है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन लिबरेटेड पर सेकेंड जो होता है, ये एन जो होता है 1/d² के प्रोपोर्शन होता है, मतलब कि यहाँ पे d जो है ये d डिस्टेंस है, मतलब कि जो सोर्स है, मान लो ये कोई मेटल सरफेस है और यहाँ पे कोई सोर्स है, इस सोर्स से लाइट इमिट कर रहा है, तो ये इसका जो बीच का डिस्टेंस है d यहाँ पे, ठीक है, तो ये d² के प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है ये नंबर ऑफ फोटोन्स, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं n1/n2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा d2/d1 का होल स्क्वायर, ठीक है, d2/d1 का होल स्क्वायर, यहाँ से n पहला n है मान लो, दूसरा क्या है n2 पूछ रहा है हमसे, ठीक है, और d2 कितना है, d2 1 मीटर है, अपन d1 कितना है 0.5 मीटर है, ठीक है, का होल स्क्वायर, ये पॉइंट हटा यहाँ से 10 आया, 5 × 2 = 10, ये कितना आ गया 4, तो यहाँ से n2 क्या हो जाएगा, यहाँ से n2 जो होगा वो क्या होगा n/4, तो मतलब कि क्या हो गया, इसका जो
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फोटोन्स है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया 1/4 टाइम्स, कितना हो गया 1/4 टाइम्स, तो इसका आंसर जाएगा रिड्यूस बाय द फैक्टर 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6.0 × 10^14 हर्ट्ज ये प्रोड्यूस बाय द लेज़र, ठीक है, एक लेज़र द्वारा प्रोड्यूस होता है, द पावर इमिटेड इतना है, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ठीक है, फोटोन नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड ऑन द एवरेज बाय द सोर्स पर सेकेंड, उस सोर्स से कितना फोटोन इमिट हो रहा है, ठीक है, उस सोर्स से कितना फोटोन इमिट हो रहा है। अब देखो इसको समझने से पहले हम थोड़ा डेरिवेशन समझ लेते हैं। देखो इंटेंसिटी बराबर क्या होता है, इंटेंसिटी बराबर होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पे जितना एनर्जी इंसिडेंट होता है उसी को अपन इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ई अपन टी को अपन पावर बोल सकते हैं, तो इसको बोल सकते हैं पावर अपन एरिया, पावर अपन एरिया भी बोल सकते हैं यहाँ पे। अब ध्यान दो, और हमको पता है कि यहाँ पे ई बराबर ई मतलब आई बराबर क्या हो गया, इंटेंसिटी बराबर क्या हो गया, ई अपन ए टी, तो यहाँ पे ई क्या है, ई को अपन लिख सकते हैं ना एन एच न्यू, एन क्या है नंबर ऑफ फोटोन, एच न्यू अपन ए टी, ठीक है। अब देखो ये जो एन अपन टी है इसको अपन स्मॉल एन लिख सकते हैं, स्मॉल एन क्या है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड कितना इमिट हो रहा है, ठीक है, पर सेकेंड कितना ही होगा, तो एन एच न्यू अपन ए, ठीक है। और यहाँ पे आई को इंटेंसिटी को मतलब कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं पी अपन ए पावर अपन एरिया, तो पावर अपन एरिया बराबर क्या हो गया यहाँ से एन एच न्यू अपन ए, ए से कैंसिल, तो यहाँ से पावर बराबर क्या हो गया पी बराबर हो गया एन एच न्यू, पावर बराबर क्या हो गया एन एच न्यू। अच्छा इस पावर को यहाँ पे अपन यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एन, ठीक है, एच न्यू को अपन एस सी अपन लेमडा लिख सकते हैं, एस सी अपन लेमडा, ठीक है, एस सी अपन लेमडा, तो यहाँ से एन जो होगा यहाँ से एन एन को यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पे एन यहाँ पर लिख सकते हैं पी लेमडा अपन एस सी, पी लेमडा अपन एस सी। अब देखो इस टर्म को मतलब ये जो क्वेश्चन मतलब आया हमको रिलेशन आया इसको अपन यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं एन इक्वल्स टू 5 × 10^12, यहाँ पे ये जो एन एन इज टू 10^12 5 × 10^24, ठीक है, 24 पर जूल पर मीटर, ठीक है, ये जो वैल्यू है पर जूल पर मीटर में इंटू पी इंटू लेमडा, ठीक है, ये अपन यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखो पी इंटू लेमडा, अब ध्यान दो यहाँ पे लेमडा ये सब मीटर में रखेंगे मतलब ऐसे मीटर में रखेंगे यहाँ वैल्यू। अब यहाँ पे हमको एन पूछ रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड पूछ रहा है हमसे, एन का वैल्यू पूछ रहा है, ये वैल्यू रख दो यहाँ पे 5 × 10^24 गुना पावर कितना है, पावर है 2 × 10^-3। अच्छा यहाँ पे हमको लेमडा रखना पड़ेगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो यहाँ से लेमडा निकाल लो, ठीक है, ये से फ्रीक्वेंसी लेमडा दिया हुआ है तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी अपन न्यू, ठीक है, सी कितना है 3 × 10^8 अपन में 6 × 10^14 क्या होगा, ये इससे 2 कटेगा, ये क्या हो गया 0.5, ये ऊपर जाएगा कितना होगा 10^-6, ठीक है, जो यहाँ वैल्यू रखो यहाँ पे 0.5 × 10^-6 अपन में क्या हो जाएगा, ये अपन में कुछ होगा ही नहीं इतना होगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो नीचे 10 आया, 5 × 10 50, ठीक है, और देखो यहाँ पे एक सेकेंड ये 5 ये 2 और ये 10 को काट दो, ये क्या हो गया 5 5, अब देखो 6 × 3 = 9 और 24 में से 9 गया कितना बचेगा, 24 में से 9 गया कितना बचेगा 15, 24 में से 9 गया कितना बचेगा 6 × 3 = 9 15 बचेगा यहाँ पे, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 × 10^15, ठीक है, सेकेंड नंबर ऑप्शन जाएगा, ठीक है, आर एस एम इस तरह से यहाँ पे हमें को ये मिला।
चलो उसके बाद देखो, ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि ये 18 PMT 2018 क्वेश्चन है, कह रहा वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल जितना, मतलब कि कोई मटेरियल है ठीक है, उसका वर्क फंक्शन हमें, वर्क फंक्शन दिया हुआ है कितना, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन फॉर विच स्टॉपिंग पोटेंशियल जितना, अब कह रहा है वो वेवलेंथ क्या होगा ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, 5 हो। अब देखो हमें वी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है स्टॉपिंग पोटेंशियल का 5 वोल्ट ठीक है, हमको पता है ई वी नॉट जो होगा ठीक है वो क्या होता है, एच न्यू माइनस फाय ठीक है, और एच न्यू माइनस फाय ठीक है। अब देखो यहाँ से एच न्यू क्या हो जाएगा, एच न्यू क्या हो जाएगा, मतलब कि ई वी नॉट प्लस फाय, अच्छा ई वी नॉट का मतलब वी नॉट कितना दिया 5 वोल्ट, तो इसका लिख सकते हैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना दिया हुआ है, मतलब कि सॉरी फाय कितना दिया हुआ है, मतलब कि वर्क फंक्शन 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या हो गया 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसको दोनों को ऐड करते हैं अपन तो क्या हो गया, ये 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, ये आया एच न्यू, मतलब कि ये एच न्यू क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन ठीक है, मतलब उस वो जो रेडिएशन है जो रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं उसका एनर्जी हो गया। तो अब देखो यहाँ पे कह रहा कि अब इसमें से कौन सा होगा, तो यहाँ पे जो एनर्जी आया अब ये देखना पड़ेगा कि इसमें से किस किसका एनर्जी रेंज इसमें आता है, मतलब कि इतना एनर्जी रेंज इतना होता है ठीक है। अब देखो इसमें जो जो अल्ट्रा वायलेट रे है ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रे जो है इसका एनर्जी रेडिएशन जो होता है ठीक है, इसका जो रेंज होता है मतलब कि एनर्जी का रेंज, इसका जो एनर्जी का रेंज होता है किसका, मतलब कि यूवी रे का, वो एनर्जी का जो रेंज होता है यूवी रे का वो कितना होता है कि मतलब लगभग 2×10⁻³ प्लस 3 ठीक है, ये +3 होता है ठीक है, +3 से लेके ठीक है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, कितना होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। और हमारा जो विजिबल रे होता है इसका जो मतलब कि ये होता है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके ठीक है 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में, ये रेंज होता है। लेकिन हमें कितना एनर्जी है, मतलब कि उस रेडिएशन एनर्जी कितना आया हमको, 11.2। तो ये 11.2 जो आया है ये कहाँ लाइक करेगा, इसके बीच या इसके बीच, और ये इस शब्द का तो क्या होता है अलग ही होता है, तो इसका एनर्जी जो होता है यहाँ पे यूवी रे का बीच में इंसिडेंट करता है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, यूवी रीजन ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रीजन ठीक है। आर एस में तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे डाटा याद रखना पड़ेगा ठीक है, कि इसका रेंज क्या है, ये रेंज इंपॉर्टेंट है, रेंज याद रखना कि एनर्जी का रेंज कितना कितना के बीच में होता है ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फॉर अ लाइट ठीक है, ठीक है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फॉर अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना ठीक है, फ्रीक्वेंसी न्यू जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ा है, वो होना भी चाहिए तभी जाके लाइट इमिट करेगा, मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब ये कह रहा है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से, मतलब कि जो नंबर ऑफ सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं नंबर ऑफ फोटोन जो है, फोटो इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो है ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगा, तो किसके प्रोपोर्शनल है ठीक है। अभी हम बताए थे कि फ्रीक्वेंसी जो होता है ठीक है, जब अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ठीक है, जब हम फ्रीक्वेंसी, यहाँ ध्यान रखो, जब फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो इससे चेंज करेंगे तो इसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्स इन दोनों पे पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी का चेंज जो है सिर्फ इस पे पड़ेगा, बट एन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे जो है नंबर ऑफ फोटोन पे इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ठीक है। इस पे फर्क, हाँ ये इस पे फ़र्क कब पड़ेगा, जब हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे ठीक है, इंटेंसिटी जब इंटेंसिटी को अपन बढ़ाते हैं, जब इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो यहाँ से नंबर ऑफ फोटोन जो है ये बढ़ता है, नंबर ऑफ फोटोन जो है ये बढ़ता है, ये फोटो इलेक्ट्रॉन जो बढ़ता है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो है मतलब ये फोटो इलेक्ट्रॉन हो गया ठीक है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एनी देते हैं तरह से, ये बढ़ेगा ठीक है। जब ये बढ़ेगा तो क्या होगा, सेचुरेशन करंट बढ़ेगा ठीक है, सेचुरेशन करंट बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रॉन जो होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, तो ये जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के प्रोपोर्शन होता है
ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो क्या हो गया, ये तो हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की कितना ये है, मतलब इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को देंगे तब इमिट होगा, ठीक है। ये चेंज तो होगा नहीं ना, और ये सब चेंज होगा नहीं, फ्रीक्वेंसी सब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है फोटो इलेक्ट्रॉन पे, वो जो है इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा, यहाँ से नंबर ऑफ फोटोन, फोटोन इमिटेड ये जो है बढ़ेगा सोर्स से। जब फोटोन एनर्जी फोटोन बढ़ेगा, जितना ज़्यादा फोटोन उतना ज़्यादा क्या होगा इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा तो क्या होगा, ठीक है, सेचुरेशन करंट बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगा इसका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट कह रहा है कि कह मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ठीक है, जिसका वेवलेंथ इतना दिया हुआ है, और मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 667 नैनोमीटर इज प्रोड्यूस्ड बाय अ हीलियम लियन लेज़र, द पावर इमिटेड इज 9 मिलीवाट, द नंबर ऑफ फोटोन मतलब कि फोटोन्स अराइविंग पर सेकेंड ऑन द एवरेज एट द टारगेट डिटेक्टर, ठीक है। बीम क्या होगा, अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे हमसे नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड पूछ रहा है, मतलब एन अपन टी पूछ रहा है, मतलब कि स्मॉल एन पूछ रहा है, स्मॉल एन का वैल्यू क्या होगा, अभी हम जस्ट पढ़े स्मॉल एन का वैल्यू क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, पी इंटू लेमडा अपन एस सी, ये पढ़े थे ना, पी टू लेमडा इंटू एस सी। अब देखो यहाँ से जो पी है, पी क्या है यहाँ पे पावर, और ये पावर कितना दिया है हमको, ठीक है, पावर दिया है 9 मिली वाट, पावर कितना दिया हुआ है 9 मिली वाट, तो 9 × 10⁻³ क्या होगा -3 वाट, ठीक है। तो लेमडा कितना दिया हुआ है 667 नैनोमीटर, मतलब 10⁻³ कितना होगा -9, ठीक है, मीटर, ठीक है। अपन में एस सी, एस कितना होता है, एस का वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻³ -34, ठीक है, और सी कितना होता है 3 × 10⁸, ठीक है। अब जब इसको सोल्व करेंगे अपन, यहाँ से देखो ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू कट जाएगा ना, यहाँ पे ऊपर 10 आएगा, 100 आएगा, ठीक है, अरे समझ में, और इस 3 से ये 3 कैंसिल, यहाँ 3 आया, इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3 × अब देखो यहाँ पे ये 100 है, इस 100 से, अच्छा ये 8 ऊपर जाएगा तो कितना होगा 9 × 3 = 12, 12 = 8 = 20, 20 में से 2 शून्य चला गया था 18, ये हो जाएगा 10⁻¹⁸ गुना 10⁻¹⁴, क्या होगा 10⁻¹⁸ और 10⁻¹⁴, ठीक है। तो ये जो इसको जो सोल्व करेंगे माइनस नहीं प्लस 34 होगा ना, माइनस ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 3 × 10⁻¹⁶, ठीक है, इतना, मतलब यहाँ से n का वैल्यू कितना आया 3 × 10⁻¹⁶, इसका आंसर जाएगा 3 नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये जो फिगर है, ठीक है, इस फिगर हमको ये बताना है कि दो ये केस दिया हुआ है, ये जो ग्राफ दिया हुआ है, इन दोनों केस में कब इंटेंसिटी चेंज हो रहा है, कब जो है फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, किस केस में इंटेंसिटी सेम रहा है, किस केस में ये मतलब कि फ्रीक्वेंसी डिफरेंट आ रहा है। तो अब देखो, अब यहाँ पे हम दो केस कंसीडर करते हैं, एक बीसी, ठीक है, ध्यान दो, एक बीसी, बीसी केस में, ठीक है, बीसी केस में, अब ध्यान दो बीसी के केस में, बी और सी, बीसी केस में देखो यहाँ पे क्या है, बीसी केस में मतलब क्या हो रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन सेचुरेशन करंट क्या है, सिंगल है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे IS तो क्या हो रहा है, सेचुरेशन का IS क्या है, सेचुरेशन करंट है, IS तो क्या है, ये सेम है, IS क्या है, ये तो सेम है, IS सेम, सेचुरेशन करंट में कोई चेंज नहीं आया, मतलब क्या इंटेंसिटी सेम होगा, क्योंकि सेचुरेशन करंट किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी, ठीक है, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो रहा है, ये सेम रहा होगा, इंटेंसिटी सेम रहा होगा, इसलिए तो सेचुरेशन करंट क्या है, सेम है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है, मतलब कि वी नोट क्या है, वी नोट यहाँ पे डिफरेंट है। अब देखो, अब वी नोट डिफरेंट कब होता है, वी नोट किस पे डिपेंड करता है, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, मतलब फ्रीक्वेंसी जो है, ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी जो है ये क्या है, ये डिफरेंट है, मतलब कि ये जो है, मतलब बी सी वाले पार्ट में, बी सी वाले ग्राफ में क्या हो रहा है, यहाँ पे बी सी वाले कर्व में क्या हो रहा है, यहाँ पे बी सी कर्व में यहाँ पे इंटेंसिटी तो सेम हो रहा है लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वी नोट क्या डिफरेंट, आई एस सेम। अब हम चलते हैं ए बी वाले पार्ट पे,
मतलब कि ए बी कर्व में, ए बी कर्व में। अब देखो, अब कंसिडरेशन में लो ए और बी को। ए बी में क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल देखो सेम है लेकिन सेचुरेशन करंट अलग लगा रहा है। सेचुरेशन करंट क्या अलग लगा रहा है, मतलब कि यहाँ पे आई एस क्या हो रहा है, आई एस डिफरेंट हो रहा है, मतलब कि सेचुरेशन करंट डिफरेंट आ रहा है। सेचुरेशन करंट डिफरेंट आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि सेचुरेशन किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे ना, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है सेचुरेशन करंट। तो इसका मतलब इंटेंसिटी डिफरेंट है, ठीक है, मतलब डिफरेंट इंटेंसिटी को भेज रहे हैं यहाँ पे, इंटेंसिटी, ठीक है, मतलब इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन करंट क्या है, डिफरेंट आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो रहा है, ए बी में सेम है, एक ही है ना, इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सेम। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी सेम आ रहा है, ठीक है। अब पढ़ते हैं ऑप्शन को अपन, ठीक है, अब पढ़ते हैं ऑप्शन को। अब देखो ऑप्शन में क्या कह रहा है, ऑप्शन में कह रहा है कि कर्व बी सी में, बी सी में क्या हो रहा है, एक सेकेंड, ध्यान दो, कह रहा कि हाँ, कर्व बी सी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रे ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। बी सी में देखो फ्रीक्वेंसी कह रहा है सेम, नहीं फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है ना बी सी में, तो ये ऑप्शन नहीं जाएगा, ठीक है। उसमें कह रहा है सेकेंड में कर्व ए बी, ए बी कर्व में क्या कह रहा है कि इंसिडेंट रेडिएशन का डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या है, डिफरेंट है, नहीं फ्रीक्वेंसी तो सेम है, इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन भी नहीं जाएगा। अब कह रहा है कि कर्व ए बी में इंसिडेंट रेडिएशन सेम फ्रीक्वेंसी, ए बी में फ्रीक्वेंसी सेम है, हाँ फ्रीक्वेंसी सेम है, एंड डिफरेंट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी भी क्या है, डिफरेंट है, तो इसका आंसर जाएगा तीन नंबर सही है। अब तो चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, चौथा ऑप्शन में कह रहा है कि बी सी कर्व में क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है, डिफरेंट, हाँ फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, एंड डिफरेंट इंटेंसिटी, नहीं इंटेंसिटी क्या है, सेम है, तो ये भी क्या होगा, ऑप्शन गलत होगा, तो आंसर क्या जाएगा, सी नंबर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सोर्स है, ठीक है, एस वन सोर्स है, ये कोई एस वन सोर्स है, और इस एस वन सोर्स से जो है 10^15 इलेक्ट्रॉन जो है, इतना फोटोन जो है इमिट हो रहा है, मतलब ये एन का वैल्यू है, इतना फोटोन पर सेकेंड जो है एमिट हो रहा है, ठीक है, अरसे में, और इस सोर्स का जो रेडिएशन निकलता है उसका जो लैम्डा है वो कितना है, 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 5000 एंगस्ट्रॉम। अब सेकेंड सोर्स है एस टू सोर्स से जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, मतलब सॉरी फोटोन इमिट हो रहा है, वो कितना हो रहा है, 1.02 × 10^15, ठीक है, 10^15 फोटोन, अरसे में, और इतना ये एन का वैल्यू है, ठीक है, और इस केस में जो है लेमडा जो है, लेमडा कितना है, लेमडा है 5100, मतलब कि 5100 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब कह रहा है कि इन दोनों सोर्स से जो अपन इन दोनों सोर्स से कोरस्पॉन्डिंग पावर क्या होगा, पावर का रेशियो क्या होगा, ठीक है, अच्छा पावर का रेशियो क्या होगा, अभी हम क्या पढ़े थे, पावर बराबर क्या पढ़े थे, एन एच सी अपन लेमडा, क्या पढ़े थे, एन एस सी अपन लेमडा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एन एस सी अपन लेमडा, एस सी तो क्या है, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ये भी कांस्टेंट, तो मतलब पावर जो है यहाँ पे प्रोपोर्शनल हो गया क्या, एन अपन लेमडा के, ठीक है, तो मतलब यहाँ से पी वन अपन पी टू जो होगा वो क्या होगा, एन वन अपन एन टू इंटू लेमडा टू अपन लेमडा वन, ठीक है, तो यहाँ से पी वन अपन पी टू क्या आ गया हमसे, अच्छा पी टू अपन पी वन हमसे पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से पी टू अपन पी वन ये क्या हो जाएगा, एन टू, एन टू कितना, एन टू अपन एन वन, एन टू कितना है, ये क्या हो जाएगा, एन टू अपन एन वन इंटू लेमडा वन अपन लेमडा टू, अच्छा एन टू कितना है, एन टू, एन टू 1.02 × 10^15, ठीक है, अपन में एन वन कितना है, 10^15, लेमडा वन कितना है, 5000 एंगस्ट्रॉम, लेमडा टू कितना है, 5100, ठीक है, यहाँ से 20 20 कैंसिल, ठीक है, अब देखो यहाँ से नीचे आएगा 100, ठीक है, ये जो है इससे ये दो कैंसिल, दो मर्द में, इससे ये दो मर्द में कैंसिल, इससे ये दो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इस सब कट गया आपस में, मतलब वन आया, मतलब पी टू अपन पी वन कितना आया, पी टू अपन पी वन का वैल्यू कितना आया, वन आया, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, वन जाएगा, ठीक है, ये हो गया सिंपल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कह रहा है,
नेक्स्ट कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दो, कह रहा है कि अ पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट अप्लाइड टू स्टॉप फास्टेस्ट मतलब फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय द निकेल सरफेस, ये क्या होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस का, इस पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहते हैं, वी नॉट तो कहते हैं, इसी को तो बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल से पूछ रहा है और उसका वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमसे ये दिया हुआ है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन अल्ट्रावायलेट रे ऑफ इतना नैनोमीटर फॉल करता है। तो तुमको पता है ई वी नॉट जो होता है वो क्या होता है, एच न्यू माइनस फाइव, ये होता है ना एच न्यू माइनस फाइव। हमसे पूछ क्या रहा है, वी नॉट का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से होगा ई वी नॉट बराबर क्या हो गया। अब देखो इसके इसकी कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, मतलब कि हमको क्या दिया हुआ है, ये लेमडा दिया हुआ है ना, इतना नो मतलब कि इसका जो है टेबलेट इतना मतलब कि नैनोमीटर का जो फॉल करता था, ये क्या दिया हमको, वेवलेंथ दिया हुआ है। वेवलेंथ से क्या होगा, यहाँ पे एस सी अपन लेमडा, तो एस सी अपन लेमडा को ये करते हैं नैनोमीटर में दिया रहा था, तो इसको क्या लेते हैं 1240 अपन लेमडा नैनोमीटर में 200। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 कितना है 5.01। ठीक है 5.01। चलो तो इसको अपन सोल्व करते हैं, तो ये कैंसिल, ये हो जाएगा 62। ठीक है 62, ये 6.2 आएगा, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है माइनस 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जब इसको डिफरेंस लाएंगे यहाँ पे दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, ये आता है 1.2 के लगभग। ठीक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग, और इसको जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दो तो यहाँ से ई कैंसिल। ठीक है तो ये वी आया यहाँ पे 1.2 वोल्ट, ये वी नोट आया 1.2 वोल्ट। अब देखो 1.2 वोल्ट आया तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है 1.2 वोल्ट, यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन यहाँ साइन अलग अलग है, या नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन है। अब बताओ ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्राफ जो अपन पढ़ते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव एक्सिस से करते हैं ना, यही तो है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये होता है ना स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है ये होता है ना वी नोट, तो वी नोट हमेशा नेगेटिव एक्सिस पे होता है ना। ठीक है तो इसका वैल्यू जो होगा वो होगा 3, ये जो -1.2 वोल्ट। ठीक है गाइस, चलो उसके बाद कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट n=3 टू द ग्राउंड स्टेट n=1 एंड द फोटोन दस एमिटेड मतलब कि इरेडिएट फोटो सेंसिटिव मटेरियल। ठीक है इफ द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल इज इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द इमिटेड टू द एनर्जी सो दैट इलेक्ट्रॉन इन एंड स्टेट इज इतना। ठीक है अब देखो हमसे वर्क फंक्शन पूछ रहा है, ठीक है सॉरी वर्क फंक्शन नहीं, हमसे स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रहा है हमसे। ठीक है अब कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम है उससे जो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि जंप करता है कि एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, तो एनर्जी इमिट करेगा और वो एनर्जी इमिट जो रहा है उसको यूज़ में ले रहा है किसमें, इलेक्ट्रॉन इमिट करने में, मतलब किसी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन को ये करने में, ठीक है निकालने में। ठीक है और उस मटेरियल का वर्क फंक्शन हमको दिया हुआ है। ठीक है अब देखो तो पहले ये दिखा लेते हैं कि जो एनर्जी जब जंप मतलब इलेक्ट्रॉन जो जंप करता है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में तो कितना एनर्जी इमिट करेगा, उसका वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, मतलब डेल्टा ई निकाल लेते हैं पहले। डेल्टा ई जो होगा मतलब कितना ये होगा, तो होगा मतलब कि एंथ सेल से जो है ग्राउंड स्टेट में जा रहा है तो कितना होगा एनर्जी इमिट करेगा, तो यहाँ जो एन क्या है तीसरा सेल है, तीसरा सेल से जो पहला में जा रहा है इमिट कर रहा है तो कितना होगा, -13.6 अपन 9 माइनस प्लस -13.6 अपन 1 का स्क्वायर। ठीक है ये कितना आएगा, ये लगभग आएगा यहाँ पे कट करेंगे इसको तो ये आएगा 1-1.5, ये लगभग -1.5 आता है मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ प्लस कितना होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो करते हैं तो ये आता है लगभग 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है अब देखो ध्यान दो यहाँ पे गौर से, अब देखो हमको पता है ई वी नॉट बराबर क्या होता है एच न्यू माइनस फाइव आता है। अच्छा यहाँ से ई वी नॉट बराबर क्या होगा, एच न्यू का वैल्यू कितना आया, ये एक तरह से एनर्जी, ये तो एनर्जी गैप है यहाँ पे, ये तो एनर्जी गैप है यहाँ पे, यही वाला एनर्जी है ना यहाँ पे, तो ये कितना आया 12.1 माइनस फाइव कितना है, फाइव यहाँ पे 5.1 है
ये क्या आ गया 5.1, ये कितना आ गया 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो यहाँ से ई और ई को काट दो, इस तरह से यहाँ जो वी नोट का वैल्यू आया वो कितना आया 7 वोल्ट के बराबर। यही अपना आंसर होगा, इसका आंसर जगह 3 नंबर। ठीक है चलो, उसके बाद यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन करा कि एक फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन अकर ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैथ मोर देन सर्टेन मिनिमम पावर वेवलेंथ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। अब देखो क्या कहता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्या मिनिमम फ्रीक्वेंसी हुआ, क्यों? क्योंकि होता है ना कि किसी मेटल या किसी सरफेस के ऊपर अगर हम लाइट इंसिडेंट कराएंगे, इसका जो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है उस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के लाइट को यहाँ पे देंगे तभी जाके यहाँ क्या होगा, या मिनिमम एनर्जी, वो एनर्जी क्या होता है फायर कहलाते हैं, या इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होता है एच न्यू नॉट, इसको क्या बोलते हैं, इस एच न्यू नॉट को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जब मिनिमम वर्ड लगाते हैं इसका मतलब एनर्जी मिनिमम लेते हैं ना, ये मिनिमम, तो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी मिनिमम, ठीक है, यहाँ पे मतलब कि ये एनर्जी मिनिमम, सॉरी यहाँ पे फायर नहीं, यहाँ पे लोगों को एनर्जी, और इसी मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं, यहाँ पे एनर्जी मिनिमम, इसी एनर्जी मिनिमम को अपन बोलते हैं यहाँ पे, ये क्या कहलाता है इसका, फायर कहलाता है। ठीक है, इससे ज़्यादा देंगे तब जाके इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होगा, इससे ज़्यादा एनर्जी देंगे तो, मतलब एनर्जी जो देंगे ग्रेटर देन फायर देंगे तब जाके एनर्जी इमिट करेगा, ठीक है, तब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी मिनिमम कहलाएंगे यहाँ पे, ठीक है, इसका आंसर क्या देगा 4 नंबर। चलो उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि अ लाइट अप टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हुज फोटो इलेक्ट्रॉन हैव एनर्जीज, फोटो मतलब कि फोटोन हैव एनर्जीज इतना ने इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली, इल्यूमिनेट अ मेटेलिक सर्फेस हुज वर्क फंक्शन इज इतना, रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। अच्छा मैक्सिमम स्पीड का रेशियो पूछ रहा है, अच्छा मैक्सिमम स्पीड का मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का रेशियो का, जो उससे रेशियो निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी का, उससे स्पीड का रेशियो निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी 1 काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर क्या हो जाएगा, V1 अपन V2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से V1 अपन V2 क्या हो जाएगा, ये अंदर रूट K1 अपन K2, ये पूछा हमसे, तो हम K1 K2 का वैल्यू पूछ निकाल लेते हैं पहले। अच्छा K बराबर क्या होता है, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होता है, मतलब एनर्जी माइनस क्या होता है फाइव, तो ये यहाँ K1 यहाँ पर एनर्जी 1 लिखो, मतलब K1 कितना है, K1 कुछ नहीं पता नहीं है, K1 E1 कितना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस फाइव कितना है 0.5, ठीक है, अपन में K2 कितना है पता नहीं, K2 नहीं दिया हुआ है, अब एनर्जी कितना है 2.5, वर्क फंक्शन कितना है 0.5, ये कितना आया, ये आ जाएगा 0.5, अपन में कितना आया 2, इसको पॉइंट हटाएंगे यहाँ से 20, इसको काटेंगे यहाँ 4 आया, मतलब K1 अपन K2 का वैल्यू कितना आया 1/4 आया, ठीक है, और ये कितना आया, मतलब कि ये कितना आया V1 अपन V2 का होल स्क्वायर के बराबर, ऐसे V1 अपन V2 क्या आया रूट 1/4, मतलब कि 1/2, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1:2, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि एक फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन और प्रोसेस फॉर्म मेटल वर्क फंक्शन इतना दिया हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोस्ट इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, द कोरस्पॉन्डिंग स्विंग पोटेंशियल क्या होगा। अरे सिंपल क्वेश्चन है, ई वी नॉट क्या है, ये तो था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ई वी नॉट को क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और ये क्या है एटॉमिक पोटेंशियल है, ठीक है, यहाँ से ई वी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, तो यहाँ से ई और ई कैंसिल कर दो, तो यहाँ से वी नॉट का वैल्यू कितना आया, वी नॉट बराबर कितना आया 0.5 वोल्ट, ये तो हो गया आंसर अपना 0.5 वोल्ट, ठीक है, ये जगह आंसर, ठीक है। सो गाइस चलो ऐसा करते हैं, 15-15 क्वेश्चन पर डे करते हैं, ठीक है, 15-15 क्वेश्चन करके इस तरह से अपन कर लेंगे, 2-3 पार्ट में अपन मॉडर्न फिजिक्स को पूरा कर लेंगे, ठीक है गाइज। तो इस तरह से आप साथ साथ क्वेश्चंस करते जाओ, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इससे, ठीक है गाइज, इससे अपन बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है और साथ साथ अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लग जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है गाइज, तो इसलिए ये करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग,
प्लीज़ आप टॉपिक्स ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल पे आप विजिट कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारा कुछ यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, और अच्छा से। और आप इंस्टा भी फॉलो कर सकते हो, आप इंस्टा, मेरा इंस्टा ये है ड्रीम डॉक्टर, ठीक है, इंस्टा है DREAM ड्रीम DR डॉक्टर, ठीक है, 1205, इस पर आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेगा आपको, ठीक है, ड्रीम डॉक्टर 1205, ठीक है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने आप जो भी आपका दोस्त है जो भी पढ़ रहा है नीट का प्रिपरेशन कर रहा है आप उसको भी शेयर कर सकते हो ये वीडियो। ओके गाइस थैंक यू।